अभी देखो, गुड इवनिंग, माय नेम इज गौरव। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम लोग वायरलेस कंट्रोलर, जिसको हम लोग WLC भी बोलते हैं, उसका कॉन्फिगरेशन किस तरीके से किया जाता है। हालांकि हम लोग ज़्यादा टेक्निकली डीप नहीं जाने वाले, थोड़ा वो देखने वाले कि बेसिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, किस तरीके से कॉन्फिगरेशन किया जाता है। तो यही बेसिक चीज़ें हम लोग आज के सेशन में समझने वाले। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पैकेट ट्रेसर का यूज़ करके कॉन्फिगर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है वायरलेस डिवाइसेस का, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे वायरलेस मॉडल्स दिख रहे हैं, जिसके अंदर एक्सेस पॉइंट वायरलेस कंट्रोलर। तो यहाँ से मैं 3504, जो कि एक सिस्को का वायरलेस कंट्रोलर है, उसको पिक किया हूँ। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका कुछ हम लोग बोल सकते हैं इसका पोर्ट के बारे में डिटेल्स वगैरह हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। मतलब एक लाइक ओवरऑल जो फिजिकल हार्डवेयर देखने को होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन दिया है। या तो हम लोग इसको डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं, डैशबोर्ड नहीं बोलेंगे हम लोग, आगे में जाएंगे जो मैं कुछ दिखाऊंगा आपको GUI मोड के ऊपर, उसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं। तो समझ लो कि ये हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर कुछ पोर्ट्स है, कंसोल पोर्ट्स है, USB पोर्ट्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमें रियल एनवायरमेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फिग एंड एट्रीब्यूट, यहाँ पे CLI ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अरे, तो हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग GUI मोड, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मोड पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो काफ़ी आसान है, हम लोग ये सेशन में पढ़ने वाले, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जैसे कि मैं एक राउटर पिक करता हूँ, कोई भी 2811 सीरीज का राउटर है इसको, इसके ऊपर क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं CLI कमांड लाइन इंटरफेस। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं ये राउटर को CLI मोड से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी आसान है। हम लोग तो 99% कंपनी CLI मोड का यूज़ करती है। राउटर के लिए यही सही है, जैसे कि मुझे होस्ट नेम चेंज करना है, लो मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, बिकॉज CLI इज़ वेरी वेरी इजी एंड गुड फॉर द राउटर। अभी यहाँ पे अगर मैं वायरलेस कंट्रोल की बात करता हूँ, तो 99% कंपनीज वायरलेस कंट्रोल का, मैं 99% बोल रहा हूँ, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज वायरलेस कंट्रोल का GUI मोड के ऊपर काम करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर काम करते हैं, बिकॉज वो काम करना काफ़ी आसान होता है एज कम्पेयर टू द CLI, ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे वायरलेस कंट्रोल को कॉन्फिगर करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ कॉन्फिग ऑप्शन में, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वाला जो मेरा ऑप्शन है वो है मैनेजमेंट। यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल पे, यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फिग, कॉन्फिग में इंटरफेस है, ग्लोबल है, ठीक है। सेटिंग वायरलेस कंट्रोलर है, डिस्प्ले नेम, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरफेसेस है। यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है मैनेजमेंट इंटरफेस, मैनेजमेंट जिसको हम लोग IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस ले सकते हैं वायरलेस कंट्रोल का। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट IP एड्रेस 192.168.1.1, तो मैं सबनेट मास्क यहाँ पे 0 यूज़ करता हूँ, इस डिपेंड मैं 0 यूज़ कर रहा हूँ, मतलब /24 क्लास सी का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, क्लास फुल 192.168.1 डॉट, डिफॉल्ट गेटवे हम लोग 254 दे देते हैं, DNS की ज़रूरत नहीं है, बस इनमें कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 253, ओके। चलो यहाँ तक तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अभी इसके ऊपर तो और कुछ है नहीं कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग इसका एक्सेस कैसे लेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक L3 स्विच या L2 स्विच ले सकते हैं, और मैं एक यूज़र PC लेता हूँ, तो मैं यूज़र PC के थ्रू इस डिवाइस का एक्सेस लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका जो अभी मैंने कॉन्फ़िगर किया वो डिटेल लिख लेता हूँ, 192.168.1.1 सबनेट मास्क जो मैंने प्रोवाइड किया है वो है 255.255.255.0 क्लास सी का, और गेटवे जो मैंने प्रोवाइड किया है वो है 192.168.1.254, एंड लास्ट वन इज़ DNS जो एंट्री मैंने डाला है वो है 192.168.253, ओके। ज़रूरी नहीं आप ये डालो, आप दूसरा कोई डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं यूज़र PC टू स्विच, स्विच टू कंट्रोलर कनेक्टिविटी करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक केबल यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा स्टेट केबल है, और अभी यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्टिविटी रहेगा वो क्रॉस केबल है, देखो डॉटेड फॉर्मेट में, ओके। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, अभी थोड़ा टाइम मुझे वेट करना पड़ेगा ग्रीन कलर में आने के लिए। अभी क्या हो रहा है, ये जो वायरलेस कंट्रोलर है वो 192.168.1.0 ये नेटवर्क में बैठा है, और सेकंड वाला ये जो यूज़र है, अभी तक मैंने इसको IP एड्रेस नहीं दिया, जब तक मैं इसको IP एड्रेस नहीं दूंगा तब तक ये इसको रिचेबल नहीं कर पाएंगे। और IP एड्रेस देते समय मुझे और एक चीज़ का ध्यान देना है,
कि सेम नेटवर्क का होना चाहिए। अगर मैं इसको दे दूँ 192.168.2.0 वाली नेटवर्क का आईपी एड्रेस, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज हमेशा एक बात याद रखना, अगर हम लोग स्विच के ऊपर दोनों यूजर सेम विलैन में है, अगर हम लोग डिफरेंट आईपी एड्रेस देते तो कभी भी पिंग नहीं होता। अगर आपको पता नहीं है विलैन का कंसेप्ट, आप पहले वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं डेस्कटॉप में, आईपी एड्रेस दे रहा हूँ सेम नेटवर्क का, कोई भी दे सकते हैं। मैं 1.10 देता हूँ, गेटवे की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं पिंग करके देखता हूँ मेरे वायरलेस कंट्रोलर को, पिंग तो होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोगों को ट्रबल शूट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है। चलो पिंग तो आ रहा है हमारा, इसका मतलब हमारा यहाँ तक का तो कॉन्फिगरेशन प्रॉपर है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज करता सी एल आई विंडो को। यहाँ पे एक फिफ्थ नंबर का ऑप्शन है वेब ब्राउजर, तो यहाँ पे वेब ब्राउजर में यूआरएल में जाके मैं डालता हूँ http:// जिसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं हम लोग, colon://192.168.1.1, जो कि वायरलेस कंट्रोलर का मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है। गो करता हूँ, देखो यहाँ पे ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो गए, ताकि कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक है, इसलिए फास्ट तरीके से ब्लिंक हो रही है। थोड़ा टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। देखो अभी स्टेबल हो गया, तो अभी मैं फिर से ओपन करता हूँ, देखो मुझे वायरलेस कंट्रोलर का एक्सेस मिल गया। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले, इसके अंदर 3 स्टेप्स है वो भी देखेंगे। एडमिन कैपिटल सिस्को में जो पासवर्ड है आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पासवर्ड का यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम लोग पासवर्ड गलत दे सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट ही करूँगा ताकि हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। जैसे स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे वायरलेस कंट्रोल के ऊपर 3 स्टेप्स है, सेटअप योर कंट्रोलर, क्रिएट योर वायरलेस नेटवर्क, एडवांस सेटिंग, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सिस्टम नेम हम लोग कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम नेम हम लोग इसको दे देते हैं ऑफिस, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑफिस ही दो। चलो मैं ABC दे देता हूँ या तो कंपनी दे देता हूँ, ठीक है, ये बेटर रहेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्री नेम ले लिया, मैं इंडिया में बैठा हूँ तो इसलिए उसने ऑटोमेटिक इंडिया का ले लिया है नाम, कंट्री नेम। डेट एंड टाइमिंग भी उसने ऑटोमेटिक सेट कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे टाइम जोन भी यहाँ पे दिख रहा है, कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, ओके। NTP सर्वर हमें देने की कॉन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हिडन में है, हम लोग यहाँ पे कॉन्फिगर नहीं कर सकते, रियल एनवायरनमेंट में होता है ऑप्शन, ठीक है। पैकेट टेस्टर के कुछ मतलब डिसएडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते, डिसएडवांटेजेस नहीं बोल सकते हम लोग इसको, बोल सकते कि इसके कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। तो जो लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर सकते हम लोग, तो इसलिए हमें कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ करने को नहीं मिलते। मैं आने वाले सेशन में और चीज़ें बताने वाला हूँ इसके बारे में। अभी हम लोगों ने मैनेजमेंट आईपी एड्रेस दिया था, तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, सेम चीज़ कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। 255.255.255.0/24 वाला है, 192.168.1.254, ओके। मैनेजमेंट विलन आईडी 0 है, तो मुझे अभी फिलहाल तो कुछ डिफरेंट सेगमेंट में कॉन्फ़िगर नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करके जंप करता हूँ, तो यहाँ पे सेटअप टू, जो कि हाँ हमारा क्रिएट योर वायरलेस नेटवर्क, मतलब SSID क्रिएट करना। SSID क्या होता है, जो ये नेम देखते हो ना हम लोग वायरलेस में, जियो नेट, होटल तुली, जियो प्राइवेट, ये काफ़ी सारे नेम है, तो ये सभी के सभी हमारे SSID है। तो अभी जस्ट कंसिडर करो SSID, जैसे हम लोगों ने ऊपर में हाँ भी देख सकते हैं वायरलेस कंट्रोलर, सिस्टम नेम तो कंपनी डाला, SSID कोई दूसरा डाल सकते हैं या सेम डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं SSID डालता हूँ ABC कंपनी, ठीक है, इस तरीके से डाल सकते हैं, पॉसिबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू पे पर्सनल एंड एंटरप्राइज, ठीक है, तो ये एक टाइप का ऑथेंटिकेशन है, एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल्स है, एक सिक्योरिटी वायरलेस के अंदर कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, उसके अंदर ये आता है जिसको हम लोग L2 सिक्योरिटी भी बोलते हैं, इसके अंदर L3 सिक्योरिटी भी होता है, AAA ऑथेंटिकेशन भी होता है। तो WPA2 इज वन काइंड ऑफ द सिक्योरिटी, तो मैं इसको पर्सनली रखूंगा। पासवर्ड, इसके अंदर भी हमें एक पासवर्ड डालना पड़ता है, इस जस्ट लाइक अ पासवर्ड, तो हम लोगों को वो डालना पड़ेगा। तो मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सेम यूज़ करो, लेकिन मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट विलन, यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं चेंज नहीं कर सकते। DHCP सर्वर, ये भी मतलब डिफॉल्ट है, तो हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हम लोगों को वर्चुअल IP एंड लोकल मोबिलिटी ग्रुप, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली नेक्स्ट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने नेक्स्ट किया वो क्या बोल रहा है, प्लीज़ कन्फर्म सेटिंग एंड अप्लाई।
मतलब ये बोल रहा है कि अभी आप जैसे अप्लाई के ऊपर सेव अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके पहले आप एक बार चेक कर लो कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है ठीक है वो सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। मतलब जो अभी मैंने कॉन्फ़िगर किया, मैंने सब चेक कर लिया, सब बराबर है, मैं अप्लाई करता हूँ तो अप्लाई करने के बाद एक पॉपअप विंडो आता है, वो क्या बोलता है, सिस्टम विल रिबूट। इसका मतलब जो हमारा वायरलेस कंट्रोल है वो कॉन्फ़िगरेशन सेव होने के बाद रिबूट होगा, तो कुछ टाइम तक हमें उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे टोपोलॉजी में देख सकते हैं, अभी देखो ये अम्बर कलर में चला गया है, इसका मतलब ये अभी रिबूट हो चुका है। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मैं उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, फिर से पिंग करता हूँ यहाँ पे। और एक मैं बता सकता हूँ लिमिटेशन, 192.168.1.1 हाइफन टी, जो कि कंटिन्यूस पिंग वाला कमांड है, वो नहीं लेता है। तो ये थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, उसके साथ हमें तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब अभी तक हमें रीचेबिलिटी नहीं है वायरलेस कंट्रोल की, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। चलो रीचेबिलिटी आ गई है, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक रीचेबिलिटी आ गई, फिर से मैं अभी वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ। ठीक है, वायरलेस कंट्रोल का एक्सेस लेना है। अभी यहाँ पे मैं HTTPS का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ध्यान देना है, इसके पहले मैंने HTTP का यूज़ किया, अभी HTTPS का यूज़ कर रहा हूँ, 443, ओके, 1.1 आ गया वायरलेस कंट्रोलर का एक्सेस मुझे। अभी कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, डैशबोर्ड अभी आएगा जैसे मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करता हूँ तो सबसे पहले मैंने यूज़र नेम डाला था वो था एडमिन, और पासवर्ड इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट करके रख दिया हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, लॉगिन। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरीके का वायरलेस कंट्रोल दिखता है। अगर रियल प्रोडक्शन में आप काम करते हो, आपने कभी वायरलेस कंट्रोल पे काम किया तो एग्जैक्ट सेम दिखेगा, इसके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखेगा। कंट्रोलर समरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट आईपी एड्रेस, काफ़ी सारी फीचर्स है, लाइक इमेज वर्जन क्या है, सिस्टम नेम क्या है, अप टाइम क्या है, जैसे कि 1 मिनट 18 सेकंड से अप है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। ये रिफ्रेश, आई डोंट नो रिफ्रेश होगा कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे टाइम चेंज होता है, अगर रियल प्रोडक्शन में काम करते हो तो इंटरनल टेम्परेचर, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे ऊपर में काफ़ी सारे ऑप्शन है, WLAN कंट्रोलर, वायरलेस सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कमांड, हेल्प, फीडबैक, काफ़ी सारे ऑप्शन से हम लोग सभी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। बिकॉज क्या होता है, रियल प्रोडक्शन में हम लोग रियल डिवाइसेस के ऊपर इतना मतलब बोल सकते कि हम लोग ज़्यादा हैंड्स ऑन नहीं कर सकते, हैंड्स ऑन की बात नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे बोल सकते कि हम लोग प्ले नहीं कर सकते रियल डिवाइसेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर होता है कि लाइव प्रोडक्शन में गलती से कुछ हो गया कम ज़्यादा तो शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिवाइसेस डाउन हो सकते हैं, एक्सेस पॉइंट का रजिस्ट्रेशन जा सकता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ पे संभल के खेलते। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास पैकेट जैसे में एक अच्छा टूल मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे बिंदास कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे WLAN देखना है तो मैं क्लिक करके देख सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने ABC कंपनी नाम की SSID बनाई थी, तो यहाँ पे उसके बारे में है, और मुझे नई SSID बनाना है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, एनेबल करके रखा हो, कंट्रोलर में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। सभी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना है, मैं हर चीज़ तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक्सप्लोर करूंगे, आप मुझे कमेंट करूंगे कि सर ये एक चीज़ क्या है, किस लिए होता है, तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली आंसर करूंगा। वायरलेस है, वायरलेस के अंदर अभी हम लोगों ने कोई भी एक्सेस पॉइंट कनेक्ट नहीं किया, देख सकते हैं यहाँ पे टोपोलॉजी में देखो, सबसे पहले ओनली वायरलेस कंट्रोल है, अभी तक तो कोई एक्सेस पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो एक्सेस पॉइंट है ही नहीं, तो हम लोग WLC के ऊपर एक्सेस पॉइंट के बारे में कुछ देख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट समरी, ये बोलता है 000। ठीक है, इस मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं एक्सेस पॉइंट, और एक्सेस पॉइंट ही नहीं तो क्लाइंट की समरी तो 0 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो सभी ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करना है। अगर आपने कुछ कॉन्फिगर किया है, एक्सेस पॉइंट ऐड किया, तो आप यहाँ से देख सकते सेव कॉन्फिगरेशन, सेव कॉन्फिगरेशन भी कर सकते हैं, ये रिबूट हो जाएगा सेव कॉन्फिगरेशन करने के बाद, तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, रियल प्रोडक्शन में तो नहीं होता है, बट एक बार आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो भी हमारे पास एक्सेस पॉइंट है उसको पिंग कर सकते हैं। हम लोग करके देखेंगे, मैं जब वायरलेस एक्सेस पॉइंट किस तरीके से कनेक्ट करना है वो बताऊंगा, तब हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, यही है वायरलेस कंट्रोलर बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप इसको एक्सप्लोर करो, समझो। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि हेल्प के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है कि दिस फीचर इज नॉट सपोर्टेड इन पैकेट ट्रेसर, लिमिटेशन है पैकेट ट्रेसर में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये रियल डिवाइस से रूबरू नहीं कराएगा, ये ऑलमोस्ट सेम है, मैंने काफ़ी साल काम किया है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये तो एकदम कॉपी वर्जन है, बिकॉज मैंने इसके पहले मैं रियल डिवाइस पे काम किया है,
तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा, मुझे लगा यार ये सही चीज़ है, बिकॉज ये एग्जैक्ट आपको वही फील दे रहा है जो रियल प्रोडक्शन में देता है, ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपको रियल प्रोडक्शन में डायरेक्टली किसी ने वायरलेस कंट्रोल भी दिया तो आप इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू सो मच, आज के सेशन में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू, बाय बाय।